लखनऊ चौक स्थित बड़ी काली जी मंदिर के संत ओम भारती के ऊपर लगे गंभीर आरोप। पीड़ित ने सुनाई अपनी आबिती, बोला मुझे चाहिए इंसाफ, सख्त की जाए संत के खिलाफ कठोर कार्रवाई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पीड़ित की जुबानी, देखें वकार हुसैन की ये खास रिपोर्ट। मामला हुआ है सर, बताइए। सर मेरा नाम शिवम शर्मा है, मैं यही बड़ी काली जी के पास में मेरा घर है और तभी बाबा आया था वहाँ पे। क्या नाम है उनका? ओम भारती, मान दो भारती नाम है इनका। और ये हम लोग को एक दुकान और हम मंदिर में फोटोग्राफी की सेवा देते हैं, वहाँ पे हम कुछ पैसा नहीं देते हैं। वहाँ पे अपनी तरफ से मेरा फोटोग्राफी का व्यवसाय है, मेरे पिताजी का भी था। तो कितने साल से कर रहे हैं ये व्यवसाय? सर मेरे फादर को 2016 में वो एक्सपायर हुए हैं, तब तक उनको 27 इयर्स हो गए थे और मैं 2016 से अकेले कर रहा हूँ अपना ये काम। कहा ठीक है, अच्छा हम आपको दुकान दे देंगे। उन्होंने वो 50,000 रुपये रख लिए। उसके बाद से उनका आए दिन कॉल आता रहता था, मैसेजेस आते रहते थे और मतलब ये चीज़ें हमको नहीं पता थी, मेरे नॉलेज में नहीं थी। मम्मी को फ़ोन आया कई बार कि हम नहीं जाना चाह रहे थे कुछ, मतलब उनके साथ में एक बार हम मिले थे तो उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट पे हाथ रखा था, उन्होंने बोला कि हमारे हाथ पैर दबा दो। इतने बड़े मंदिर में बैठे हैं, लोग पूछते भी हैं आकर के उनको, तो हम भी उसी इंटेंशन के साथ में गए थे। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने फालतू की हरकत करी, वो फिर अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करा। हमको लगा कि शायद जो हम कुछ लग रहा है वो गलत लग रहा है, लेकिन उन्होंने मतलब फ्रेंड्स लोगों ने थोड़ा सा समझाया कि हम भी जाने लगे तो उन्होंने बोला, इशारा करके रोका, फिर दरवाजे की कुंडी लगा दी और उसके बाद में मतलब टी शर्ट ऊपर करो और हाथ वगैरह लगा। ठीक है, ये लोगों ने मतलब काफ़ी कुछ कहा है, बट ये है कि मेरे पास में मैंने उस टाइम पे ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी, तो मेरे पास में एज अ एविडेंस एज अ प्रूफ वो है, उसमें 16 मिनट की रिकॉर्डिंग है। कुछ पार्ट्स में आकर के हम लोग मम्मी को बताया, तब हमको ये चीज़ पता चली कि 4 तारीख को मेरी बहन भी गई थी वहाँ पे, तो उसके साथ में ये चीज़ें हुई थी कुछ। तो फिर सेकेंड टाइम में वो वहाँ से मतलब उस टाइम पर निकल आई, फिर उसको बहाने से बुलाया कुछ, तो वो सेकंड टाइम जब गई तो उसने रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन कर ली थी ऑडियो की, तो मान जी ने वो देख ली थी। तो पहले उससे कह रहे थे कि दरवाजे की कुंडी लगाओ, बंद करो बंद करो।